हेलो गाइस, राम राम सभी को, राम राम। आज का ये ब्लॉग हम दोपहर के 12:30 से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हम बस खाना बना के हुए फ्री। दोपहर का खाना बन गया हमारा। और आपने क्या बनाया? मैंने सफ़ेद चने, कड़ू, चावल। तो बस हो गए फ्री, अब थोड़ी देर स्टिचिंग करनी, फिर उसके बाद एक डेढ़ कर बजे खा लेना फिर खाना। हमने आज लेट ही किया ब्लॉग स्टार्ट क्योंकि आज बहुत रस है हमें ना कपड़ों का, वो करवा चौथ के कपड़े हैं सिलने के लिए, इसलिए फिर टाइम ही नहीं लग पा रहा है हमें। चलो तो गैस को दिखाते हैं हमने क्या बनाया। ठीक है, चलो गैस बंद कर दो। चलो गैस फिर आपको दिखाते हैं। बोल दिए मैंने, चलो गैस। कितनी बार बोलना, चलो। धूप बहुत अच्छी है। गाइस देखो तो बताओ गाइस को। गाइस ये बने ना, इसको छोले बोलते हैं, छोले बनाए आलू छोले ना। और ये कड़ू दिखाओ जिसे खोरू भी बोलते हैं। और चावल भी बन गए हमारे, हमने रोटियां भी बना दी। और क्या करना अब आपने? स्टिचिंग करनी गाइस। हाँ गाइस, अब स्टिच कर लेते हैं कपड़े, फिर खा लेना हमने खाना, फिर करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, फिर उसके बाद फिर स्टिच करने बैठ जाना। फिर उसके बाद फिर से सांभाला खाना। चलो फिर गाइस, बेंजी ये वाला सूट स्टिच कर रहे हैं। ये कमीज है किसी की, पता नहीं किसका होगा ये सूट। ये क्या लेके आए? ये आलू की छिलकी फेंक रही है बाहर। अच्छा हाँ, तो किसका है ये सूट? ये लोगों का, करवा चौथ का है उनका। अच्छा हाँ, तो फेंकाओ, मैं भी सूट ही कर रही हूँ स्टिच। कमीज ही है मुझे स्टिच करने के लिए। और ये है थोड़े बहुत सूट, यहाँ तो नहीं रखे हमने, नीचे वाले रूम में रखे हैं। ये तो ऐसे रखे हैं जो अभी तक सिले हैं या फिर सिलने वाले हैं, कटिंग किए तो वही रखे हैं। चलो फिर कहाँ चले? सूट करो स्टिच जाके। ठीक है, बाय बोल दो गाइस को। बाय। शाम के 4 बज चुके हैं, रुक जाओ एक मिनट। गाइस शाम के 4 बज चुके हैं और मैं तो सूट स्टिच कर रही थी, वो तो स्टिचिंग हो गई, एक सूट मैंने स्टिच कर दिया और अब कटिंग कर रही हूँ दूसरे सूट की। और बहन जी अकेली थी तो कॉफ़ी वो बीट कर रही थी, इसलिए मैंने बुला लिया कि आ जाओ यहीं पे बैठ जाओ। तो देखो गिलास की खट, रुक जाओ, खट खट डालिएगा उसे गिलास की। कितने सूट स्टिच किए अपने? 3। आज कितने किए? आज एक आधा। हाँ तो फिर गाइस हमने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप ले लेते हैं, बता देते हैं आपको, अपडेट करते हैं कि क्या कर रहे हैं हम। तो इसलिए मैंने भी बस सूट की कटिंग करनी, उसके बाद खाना बनाते हैं, खाना तो नहीं स्टिचिंग करनी, फिर उसके बाद खाना बनाना 5:30 या 6 बजे। और आपने क्या करना? हाँ जी गाइस, कोई आ गया था इसलिए मैं चली गई थी, आवाज़ लगा रही थी। वो ना क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि बोल तो कुछ नहीं रहे थे, उन्होंने बोला कि पानी पिला दो क्योंकि हमारा घर जो है ना, क्योंकि हमारा घर जो है ना, जो लोगों के खेत है उनके सामने ही है, मतलब लास्ट घर है हमारा, तो लोग जो हैं वो आते जाते पानी मांग लेते हैं, ये बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए वो ना खेत से आए होंगे, उन्हें प्यास लगी होगी इसलिए फिर उन्होंने पानी मांगा, तो इसलिए आवाज़ लगा रहे थे। तो गाइस अभी 5 बज गए और मैं आपको किसी से मिलवाना भी चाहती हूँ। हमारे कमेंट बॉक्स में यही कमेंट आता है कि अपने हस्बैंड को दिखाओ, अपने हस्बैंड को दिखाओ। तो चलो आज मिल लो आप मेरे हस्बैंड से। ये मेरे हस्बैंड। हेलो गाइस, तो बड़ी मुश्किल से लाया मैंने इनको ब्लॉग में, ये मना कर रही थी कि नहीं नहीं बनाना है मैंने ब्लॉग, फिर मान गए। मैंने कहा कि देखो कितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि मिलाओ, आप आ जाओ, थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ मैं आपके साथ। फिर अभी ये दिखाना नहीं चाहती। मैं नहीं दिखाना चाहती, देखो क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। अभी भी मैंने बोला इनको कि चलो ब्लॉग में, इसलिए आए, लेकिन मना कर रही थी कि नहीं। आज 3 दिन हो गए इनको घर पर आए हुए और कितनी बार बोला मैंने चलो ब्लॉग बनाती हूँ आपके साथ, लेकिन मना कर रही थी ये। तो फिर आज ये भी जॉब पर जा रहे हैं, चंडीगढ़ करते हैं ये जॉब। तो फिर अब जा रहे हैं, 5:20 पर इनकी बस है। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।
गाइस तो ये घी है अपना घर का बना हुआ, मम्मी जी ने इनको दिया कि खा लेना, सेहत बनाओ। और 500 बज गए, कब जाना? गाइस तो अभी हम जा रहे हैं लकड़ी लाने नीचे से, मम्मी जी ने बोला कि दूध को गर्म करने के लिए रख दो चूल्हे पे, ऐसे हमने दूध निकाल दिया, मम्मी ने निकाला दूध। और बहनजी और मैं जा रहे हैं टहलते हुए। बहनजी आज बहुत उदास है, लेकिन किस लिए? क्यों? कल जीजू चले जाएंगे। हाँ क्या लाना तू? गाइस ये काट भी लेता है, एक दिन बहनजी को काट लिया था इसने। बहनजी का ही नाम लेती हो बस, कब काटा बहनजी को? काटा तो था, देखो कैसे देख रहा है आपको बहन जी की। गाइस तो चाची जी आए हैं हमारे पपीते से पपीता लेने, पपीता उतार रहे हैं ऊपर से, पक्का भी एक। चलो तो हम चलते हैं, हम लकड़ी लेने आए हैं। ये हमारे ननद मम्मी जी, ये हमारी भैंस पतरा खा रही है, और ये नहीं थे। गाइस तो मम्मी जी खेत जाते हुए, और अब हम खाना बनाते हैं यहाँ पे। बहन जी चलो भागो जल्दी, लकड़ू बोलते हैं लेकिन हम। हाँ ये वाले, ये आड़े ले ले, उठाओ। गाइस डर लगता है क्योंकि सांप भी होते हैं इस लकड़ी में, तो इसलिए मुझे तो। देखो गाइस बड़ी बहस के बाद बहन जी को ही उठानी पड़ी ये लकड़ी, क्योंकि मैं तो नहीं लगाने वाली हाथ, मुझे तो डर लगता है। आप भी ध्यान से करो, और और ये है मेरे सबसे छोटे वाले नानंद। गिरते गिरते बचे आप, एडिट क्लिप चल है। आप क्यों खड़े हो? आप जाओ। गाइस ये राय पपीते चाची जी ने, और तो गाइस अभी 7 बज रहे हैं, और खाना तो हमने बना दिया। आज पपीते की सब्जी बनी और फुलके। मैं और बहन जी यहाँ पर बैठे हैं, बहन जी तुरपाई कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हो? मम्मी से। मम्मी का फ़ोन आया है और मम्मी से बात कर रहे हैं दोनों। खाना कब खाना? 8:30 बजे, 7:30-8। जीजू का है दूसरे रूम। चलो गाइस फिर कर लेते हैं तुरपाई, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस तो अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं, और घर का काम तो हमारा सब हो गया। फिर मैं स्टिचिंग करने बैठ गई थी, और मैंने देखा कि बहन जी तो ऊपर है ही नहीं। फिर मैंने नीचे आके देखा तो बहन जी नीचे तुरपाई कर रहे थे। यहाँ को यहाँ क्यों बैठी हो अकेले? ऐसे ऐसे क्यों? ऐसे ही। कितनी ठंड है इस रूम में, आप ऊपर धूप में भी बैठ सकते हो आप। नहीं बस थोड़ी देर घर नहीं तुरपाई, उसके बाद। कहाँ जा रहे हो? जग को। कहाँ जग? और भाई ये बताओ, आप ही बता दो इसको। गाइस जहाँ शादी नहीं हुई थी, जिन दी की शादी नहीं हुई थी, उनके घर में जग ना, वो उनके उन दी के ससुराल वाले नरोने भी आ रहे हैं ना, और वो दी फर्स्ट टाइम आएंगे शादी के बाद अपने मायके, फिर इसलिए जग भी है वहाँ पर, वहाँ जाना है। अब हमने मम्मी जी और मासी जी तो चले गए हैं, लेकिन हम नहीं जा पाए, हमें सूट थे स्टिच करने के लिए, इसलिए उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर बाद आ जाना खाना खाने के लिए। तो अभी 10:30 तो हो गए हैं, तो हमने सोचा कि रो लेते हैं, तो इसलिए मैं बहन जी को भी बोलने आए कि चलो फिर हो जाओ रेडी जाने के लिए, फिर फ़ोन आ जाएगा हमें कि आ जाओ जल्दी, फिर हो लेते हैं आप, हो जाओ तैयार।
गाइस तो फिर मिलते हैं आपसे। तो 11:30 हो गए और हम हो गए रेडी जाने के लिए। अब मम्मी जी का कॉल भी आ गया कि अब आ जाओ, अब जा रहे हैं हम। और बहन जी हमेशा की तरह मेरे रूम में लिपस्टिक लगाने आए। गाइस तो भी चलते हैं अब हम। चलो चल पढ़ना वो कुकी कॉल। नहीं अभी नहीं की, कब करनी। चलो तो जल्दी करो। गाइस तो चलते हैं अब। बोलो गाइस को क्यों बैठे हैं हम यहाँ पे। गाइस नीचे रूम में बहुत धूप ठंड लग रही थी हमें, तो हम यहाँ ऊपर आके धूप में बैठ गए। हम चल पड़े थे जब को हमने सोचा कोई भी नहीं है घर पे, मम्मी जी चले गए होने। लेकिन मम्मी जी तो अभी रूम से निकले, फिर मम्मी जी ने बोला साथ में चलो। अब हम यहाँ धूप में बैठ गए, थोड़ी देर धूप सेक लेते हैं। ठंड हो गई है यहाँ पे। बुआ चला। गाइस बुआ बुलाने आए हैं, मुझे लगता है बुआ चले गए हैं, सिर्फ भाभी हैं यहाँ पे। ये फोन नहीं आ रहा, इंगे चल पाया चल पाया ही चली नहीं पैना। लगी पैनी पैंट इंगे भी है ना। ये क्या लेके जा रहे हो जी आप? गाइस तो ये मम्मी के लिए ना थाली लेकर जा रही हूँ। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए इसी में चावल लाऊंगी मैं खाना। तो गाइस अभी हम बुआ जी के घर पर हैं और ये भाभी जी, और वो जो घर सामने दिखाई दे रहा है वो जहाँ टेंट लगे हैं ये वाला घर, यहाँ है जग। तो फिर मिलते हैं आपको वहीं पे। बेले काम कर रहे हैं और बहन जी देखो। चलो ठीक है।